हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। लेके हाजिर हूँ फिर से। एक छोटा सा बहुत इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है, करंट अफेयर का टॉपिक है, और उससे रिलेटेड अब तक के पीछे पेपरों में जो सवाल भी पूछे गए हैं वो भी मैंने यहाँ पे थोड़े से लिखे हैं। यहाँ पे ये टॉपिक है हमारा 34वां सूरजकुंड मेला, जो कि 2020 में हुआ था फरवरी के महीने में। और इससे रिलेटेड ही एक टॉपिक हमारा या एक क्वेश्चन हमारा बन सकता है कि इस बार 35वां सूरजकुंड मेला जो है वो नहीं होने वाला है, क्योंकि COVID-19 की वजह से इस बार इसे रद्द कर दिया गया है। तो 2021 के अंदर सूरजकुंड मेले का आयोजन नहीं होगा। ये तो एक करंट अफेयर हुआ। दूसरा करंट अफेयर कि 34वां सूरजकुंड मेले से रिलेटेड ये वाले पॉइंट्स बनते हैं, मैंने आपके आगे ये लिखे हैं। तो ये पॉइंट्स मेन है कुछ, जहां से क्वेश्चन बनने की संभावनाएं बहुत ज्यादा है। लाइक सबसे पहली बात है कि इसका आयोजन जो है ना वो कब हुआ था। तो इसका आयोजन हुआ था भाई प्यारे बच्चों 1 फरवरी से लेके और 16 फरवरी के बीच में इसका आयोजन हुआ था। कब? 2020 में हुआ था। एक क्वेश्चन ये बन सकता है इसका। दूसरा क्वेश्चन इसका ये बन सकता है कि इसका उद्घाटन किसने किया था। तो इसका उद्घाटन किया था प्यारे बच्चों हमारे भारत के, जिनका नाम है राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति कौन है भाई? भारत के राष्ट्रपति है रामनाथ जी, ठीक है, रामनाथ जी, ठीक है, रामनाथ कोविंद जी, और के साथ में हरियाणा के राज्यपाल, ठीक है, हरियाणा के राज्यपाल। और हरियाणा के राज्यपाल जी का नाम क्या है? सत्यदेव नारायण आर्य, ठीक है, सत्यदेव जी लिख रहा हूँ मैं, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप लोग समझ जाइएगा। के साथ में हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और अन्य लोग तो शामिल थे ही थे, लेकिन मेनली उद्घाटन किन के हाथों से? राष्ट्रपति रामनाथ जी कोविंद और के साथ में जो है राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य। थीम स्टेट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, और थीम स्टेट इस बार था हिमाचल प्रदेश, ठीक है, हिमाचल प्रदेश। और इसमें फिर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जो है ना वो भी इस उद्घाटन समारोह के अंदर शामिल थे, ठीक है, जयराम ठाकुर, ये बात भी आप याद कर सकते हैं। ये थीम स्टेट था। क्या कहा सर ने? आयोजन 1 फरवरी से 16 फरवरी 2020 तक, उद्घाटन हमारा राष्ट्रपति जी ने किया था और राज्यपाल साथ में थे और हरियाणा के सीएम भी साथ में थे, और मतलब मेनली उद्घाटन इन्हीं से हुआ है। थीम स्टेट हिमाचल प्रदेश, साथ में जयराम ठाकुर। पार्टनर कंट्री कौन सा था जी? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। और 34वें सूरजकुंड मेले के पार्टनर कंट्री जो था ना वो था उज्बेकिस्तान। क्या नाम है? उज्बेकिस्तान। और यहाँ के राजदूत, ठीक है, जिनका नाम है फरहाद, ठीक है, राजदूत, जो यहाँ के राजदूत है जिनका नाम है फरहाद, पूरा नाम तो बहुत लंबा चौड़ा है, मैंने शॉर्ट में लिख दिया फरहाद, ये भी इस उद्घाटन समारोह के अंदर जो है वो शामिल थे, याद रखिएगा। एक इंपॉर्टेंट बात है कि पहली बार कितने सहयोगी देश इसमें शामिल थे, तो पहली बार जो है 40 देश थे सहयोगी, ये भी एक इंपॉर्टेंट लाइन बनती है। शिल्पकार, कुल कितने शिल्पकारों ने हिस्सा लिया? तो 1200 शिल्पकारों ने जो है यहाँ पे हिस्सा लिया था, ठीक है जी, याद रखिएगा। और 34वें सूरजकुंड मेले के अंदर कुल 500 कलाकारों ने हिस्सा लिया था, ठीक है जी, 500 कलाकारों ने हिस्सा लिया था। और एक इंपॉर्टेंट बात इस बार थी, इसकी मेन पॉइंट था कि ये सूरजकुंड मेला जो था ना ये प्लास्टिक मुक्त था, ठीक है, यानी कि प्लास्टिक मुक्त इसका थीम था, इसमें प्लास्टिक का प्रयोग जो है वो नहीं किया गया था। और एक बात, समझौता किसका हुआ था यहाँ पे जो है? समझौता किया गया था ब्रिटिश काउंसिल के साथ में, ठीक है, इस बार ब्रिटिश जो काउंसिल है उसके साथ में समझौता हुआ। किस लिए समझौता हुआ यहाँ पे? ये समझौता हुआ था कि ब्रिटिश के कलाकार और भारतीय कलाकार आपस में रूबरू हो सके, इसलिए एक समझौता किया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है इस बार 34वें सूरजकुंड मेले में, क्योंकि इस टाइम तक तकरीबन कोरोना वायरस की बातें भी शुरू हो ही गई थी, तो सभी व्यक्तियों की जो है वो कोरोना टेस्टिंग भी की गई थी। तो पहला ऐसा मेला जहां पे हर एक व्यक्तियों की हेल्थ रिलेटेड चेकअप किया गया, तो ये क्वेश्चन भी बने आपका, तो जवाब क्या रहेगा? 34वां सूरजकुंड मेला ही था। आई रिपीट अगेन, ये सारे पॉइंट फिर रिपीट कर देता हूं मैं आपको। इसका आयोजन 1 फरवरी से 16 फरवरी 2020 के बीच में, उद्घाटन राष्ट्रपति और हरियाणा के राज्यपाल ने, थीम स्टेट हिमाचल प्रदेश, पार्टनर कंट्री उज्बेकिस्तान, पहली बार कितने सहयोगी देश थे 40 थे, शिल्पकार 1200, कलाकार 500, मेन पॉइंट था कि प्लास्टिक मुक्त था ये मेला, और समझौता ब्रिटिश काउंसिल ने। ये तो आपको पता ही है, सूरजकुंड मेला जो है फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर लगता है, ठीक है जी। अब
अब से पहले सूरजकुंड के क्वेश्चन रिलेटेड पूछे गए हैं, मैं वो यहाँ शेयर कर रहा हूँ आपके साथ में। अब तक जो पेपरों में पूछे गए हैं वो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पूछा गया कि सूरजकुंड की शुरुआत कब हुई थी, तो इसका सही आंसर था 1987 के अंदर इस मेले की शुरुआत हुई थी। एक क्वेश्चन पूछा था कि 23वां जो सूरजकुंड मेला था उसका सहभागी देश कौन सा था, तो इसका सहभागी देश था प्यारे बच्चों इजिप्ट था, याद रखिएगा। एक क्वेश्चन था 26वां जो सूरजकुंड मेला था उसका सहभागी देश कौन सा था, तो इसका था थाईलैंड, जो है इसका सहभागी देश था थाईलैंड। एक था 27वां जो था इसका सहभागी देश, तो इसका सहभागी देश बेसिकली जो है अफ्रीकन, जो है अफ्रीकन नेशंस थे, अफ्रीकन नेशंस थे इसके। और 28वां जो है इसके सहभागी देश कौन से थे, तो इसका सहभागी देश था श्रीलंका, ठीक है श्रीलंका था। 29वां कौन सा था, 29वें में था लेबनान, ठीक है। और 29वें के बाद में आप तीन चारों के तो इनके थीम स्टेट भी याद कर लेना, इसके थीम स्टेट बता देता हूं आपको मैं क्या था, छत्तीसगढ़, ठीक है इतना तो याद कर ही लीजिएगा आप लोग। 30वां जो था इसका सहभागी देश पूछ रखा था, इसका सहभागी देश एक तो था बेसिकली आपका चाइना, ठीक है दो थे एक्चुअल में, एक था जापान, ठीक है चाइना और जापान दो थे। थीम स्टेट याद कर सकते हैं आप लोग, तेलंगाना था, ठीक है तेलंगाना था थीम स्टेट। और 32वां जो था ना इसका सहभागी देश जो था वो था किर्गिस्तान, ठीक है किर्गिस्तान था, और सहभागी देश जो था इसका यूपी था। और 33वां जो लास्ट ईयर हुआ था उसका सहभागी देश भी आप याद कर सकते हैं थाईलैंड था, ठीक है। और जो है इसका बेसिकली जो राज्य था थीम स्टेट जो था वो था महाराष्ट्र, ठीक है महाराष्ट्र इसका थीम स्टेट था। ये चीज़ें आप लोगों के लिए बन सकती है पेपर में, बहुत ही महत्वपूर्ण, वीडियो शॉर्ट है पर आपके लिए मीनिंगफुल है, आप सभी के पास में समय कम है, उसी चीज़ को मद्देनजर रख के ये इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। कुछ और भी वीडियो मैं आपके लिए बनाऊंगा, वो PPT फॉर्म में बनाऊंगा ताकि जल्दी आपको डेटा याद आ जाए, आप लोग जल्दी से उसे समझ पाए, ठीक है। थैंक यू सो मच प्यारे बच्चों, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा एक बार के लिए, आपको मैं एक साइड का टाइम देता हूँ। स्टार IQ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच क्लास।